गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोग उधर? हाँ जी सर, क्लियर है तो एक बार कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आज हम लोगों को सर जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है, ठीक है ना? तो आज से जून की बात स्टार्ट होगी। तो जब भी हम किसी नए मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक बार बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, कितने महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, ये सारी बेसिक बातें। अभी तक तो देखो सर नए एडमिट कार्ड के इसलिए मेरे ख्याल से तो अपडेट नहीं आया है। वेबसाइट पे चेक करा था आपने? 18 अगस्त को है ना सर एग्जाम, तो अभी तो एडमिट कार्ड मान के चलो 15 दिन पहले आएगा, बहुत जल्दी आएगा तो 15 दिन पहले आएगा, तो अभी तो टाइम है। ठीक है, चलिए जी। तो बिफोर वी स्टार्ट, तो एक बार बात करेंगे सर आपका ये भी क्या कहते हैं जो करेंट अफेयर्स है उसका बेसिक के बारे में, ताकि बीच में अगर कोई भी आए तो हम उनसे कह पाए कि देखिए भैया जून के महीने की पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, चलो जी, तो देख लेते हैं क्या क्या बातें करनी है करेंट अफेयर से रिलेटेड। करेंट अफेयर से रिलेटेड जो पहला सवाल आता है कि सर करेंट अफेयर कितना पढ़ना है, कितने महीनों का पढ़ना है। देखो अगर सर आप एपीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, या फिर टीजीटी पीजीटी एडीओ एचडीओ, ये जितने भी ये एपीपीएससी के एग्जाम है, तो इसके लिए आपको 6 मंथ्स का रेडी करना है, मिनिमम 6 महीने का करेंट अफेयर्स रेडी करना है डेट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले। यानी अगर आपका एग्जाम अगस्त में हो रहा है तो जुलाई तक का करना है, ठीक है? यानी जुलाई, उससे पहले जाओ जून, ठीक है? जून से पहले आओ तो मई, मई से पहले आओ तो अप्रैल, अप्रैल से पहले आओ तो मार्च, मार्च से पहले आओ तो फरवरी। यानी फरवरी से लेकर जुलाई तक का आपको करके जाना है अगर अगस्त में आपका एग्जाम है, तो इस तरह से 6 महीने का करके जाओ। अगर सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम है, सिविल सर्विसेज वाला, तो उसमें 1 ईयर का कर लो। एपीएसएसबी में तो अभी जो रिसेंट में आपका पिछले हम जो सालों से एग्जाम देख रहे हैं, उसमें जनरली जो रिसेंट वाला होता है वो ज्यादा पूछता है। मान लो 1 महीने या 2 महीने पुराना वाला जो कंटेंट होता है वो ज्यादा पूछता है, ठीक है? देखिए एसआई वाला हम तो क्लास कराता है, लेकिन अभी एसआई का एग्जाम कहाँ निकला है, हमने तो कराया ही है सर। नॉर्थ ईस्ट पीएससी की शुरुआत ही वहीं से हुई थी आपका, जब एसआई का एग्जाम चल रहा था, ठीक है? चलो ये तो बात हो गई सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है। दूसरी बात आती है कि सर करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं। देखो करंट अफेयर्स का नोट्स 2 तरीके से आप बना सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसके बाद आपको आंसर देता हूँ, उसके साथ साथ जो कंटेंट होता है वो आपको एक बार बता देता हूँ, उससे कुछ जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें होती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो वहां पर बहुत सारा फैक्ट होता है, वैल्यू एडिशन होता है, जो वन टाइम पढ़ना होता है उसको नोट या आगे कंटिन्यू रिमाइंड रिमेंबर नहीं करना होता है। लेकिन जो भी क्वेश्चन या वैल्यू एडिशन वाली चीजें मैं पढ़ाता हूँ हर क्वेश्चन में, तो वहां पर मैं ये क्लैरिटी दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन से या इतने कंटेंट से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है? तो उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये आपको नोट में लिख लेना है या ये याद करना है, ठीक है? तो जो पार्ट मैं आपसे बोल दूँ इसको याद करना है या इसको नोट करना है, वो सिंपली आपको अपने नोट्स में उतार लेना है, सिंपल सी चीज है। दूसरा एक तरीका ये है फैक्चुअल करंट अफेयर्स याद करने का, कि करंट अफेयर्स में सर सेक्शन होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का एक सेक्शन हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है, रैंकिंग हो गई, जीआई टैग हो गया, तो ये क्या है सर, अलग अलग सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स में। तो हाँ, जैसे एक हो गया बुक्स एंड ऑथर। तो दूसरा तरीका तो ये है कि आप हर एक सेक्शन का एक अलग पेज ले लो
और जिस भी सेक्शन की न्यूज आती रहे उस सेक्शन में आप नोट करते जाओ। तो इस तरह से भी आप करंट अफेयर्स रेडी कर सकते हो। तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि अच्छा स्पोर्ट्स रिलेटेड साल भर में ये या महीने भर में ये न्यूज आई है, ये मेरे को मजबूत कर लेनी है। स्पोर्ट्स पे खास ध्यान रखना, स्पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना रहती है। स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया सर नोट्स बनाने का तरीका। तीसरी चीज आती कि सर करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ के लिए पहला ऑप्शन ये है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ आप, ठीक है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी फेसबुक पे लाइव है, फिर इसी की रिकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है। यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पर जो भी वीडियो होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाती है, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक मिल जाती है। अच्छा उसमें क्या है, जो पीडीएफ की लिंक होती है सर आपका, उसमें तीन सेक्शंस हैं। एक है नेशनल लेवल करेंट अफेयर्स, एक है आपका नॉर्थ ईस्ट करेंट अफेयर्स, एक है सर आपका अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस। तो ये जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, ये जो हम अभी क्लास कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा नेशनल लेवल करेंट अफेयर्स वाले फोल्डर में। फिर इसमें भी अगर आप जैसे चाहते हो कि मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये 200-250 प्लस स्लाइड्स होती हैं सर, प्रिंट कराने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप प्रिंट ही कराना चाहते हो तो इसमें एक फोल्डर है प्रिंट, तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो आपका कंटेंट है वो इस फोल्डर से डाउनलोड कर लेना। उसमें क्या है, एक पेज पे जैसे डायरेक्ट कराओगे तो एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट होगी, इसमें मैंने प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाल रखा है, एक पेज में चार स्लाइड कर दी है, ठीक है, चार स्लाइड। तो अगर मान लो 240 स्लाइड्स का कंटेंट है तो आपको 240 पेजेस का पे करना पड़ेगा। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, चार स्लाइड्स अगर एक पेज में उसमें है तो वो 240 की जगह आपके कितने पेजेस हो गए, 60 पेजेस हो गए, ठीक है। दोनों साइड प्रिंट कराओगे तो कितने हो गए, 30 पेजेस। तो मात्र 30 पेजेस में पूरा आपका कंटेंट उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रिंट कराने का तरीका ये है। पीडीएफ लिंक फिर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, पीडीएफ लिंक फिर भी नहीं मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, 9907846422। बराए मेहरबानी मैसेज करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, क्योंकि मान लो कहीं पर इन्वॉल्व है, कॉल उठा नहीं पाए तो आप फालतू में गुस्सा करोगे, सर कॉल नहीं उठाता है, बोल तो देता है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, देर से ही रिप्लाई जरूर किया जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, अदरवाइज रिप्लाई जरूर किया जाएगा। मैसेज में ये भी फायदा होता है, मान लो अगर हम क्लास में है अभी, अगर किसी का मैसेज आ गया तो खट से वो सारे लिंक वगैरह सब सेव है, डायरेक्ट मैं भेज देता हूँ, है ना। और मान लो रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कई घंटे हो गए, तो एक बार फिर से उसको पिन कर दो सर, क्योंकि 1000 प्लस मैसेजेस हो जाते हैं सर। तो उसमें कई बार क्या होता है कि मान लो आपका मैसेज नीचे चला गया और किसी की क्वेरीज आ गई, तो आप एक बार दोबारा फिर से मैसेज कर दो, पिन कर दो कि सर ये मेरा मैसेज था, ठीक है। तो वहां मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर नहीं मिल रही है पीडीएफ। बाकी देखो यूट्यूब पे पीडीएफ लिंक में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तीन बातें बनाई, बताई हैं आपको कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये अब महीने भर के लिए हो गया, तो बीच में जो भी स्टूडेंट आएगा हम उसको यही बोलेंगे कि जून करेंट अफेयर्स की जो पहली वीडियो है उसको आप देख लीजिए, ताकि जो बेसिक बातें हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आप वहां से उसको जान सकते हैं, क्योंकि बार बार मैं सारी यही बातें सर रिपीट करता रहता हूँ तो वो भी काफी टाइम उसमें चला जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, खैर इसमें सर क्या डाउट होगा, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करें सर, करें सर स्टार्ट, या इसी में मजा आ रही है। ओके चलिए जी, तो जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
इसके कोई रुपए नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, एबीसी नहीं है ये, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्न में से कौन सा देश हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस फॉर 2024 से 2026। कोलंबो ग्रुप प्रोसेस जो है एक एशियन नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है, कोलंबो प्रोसेस उसका नाम रखा गया, इस कैपिटल है श्रीलंका की तो उसके नाम पे कोलंबो प्रोसेस रख दिया गया। तो हर एक कंट्री इसको चेयर करती है, कभी किसी का टर्न होता है, कभी किसी का टर्न होता है, ठीक है। तो जहां पर इसके हेड बदलते रहते हैं वहीं पर अब किसका नंबर आया है, भारत का नंबर आया है, ठीक है। तो क्या मैंने आंसर बता दिया क्या? हाँ, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसको कौन चेयर कर रहा है, करेक्ट आंसर इज इंडिया। कभी कभी फ्लो फ्लो में आंसर ही निकल जाता है जिससे बाकी लोग फायदा उठा लेते हैं। चलो ठीक है, सस्पेंस खत्म हो जाता है उससे सर क्वेश्चन का। चलो करेक्ट आंसर इज इंडिया। अब कोलंबो प्रोसेस में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी और उस वजह से भी इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो एक रीजनल ग्रुपिंग है कोलंबो प्रोसेस, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विल चेयर दिस ग्रुपिंग, ठीक है। कब बना था, 2003 में बना था। अब ये जो ग्रुप है सर इसमें 12 एशियन मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। कौन कौन है सर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कॉम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। इसमें एक तो सर अपना पड़ोसी भूटान नहीं है, थोड़ा ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन से साउथ ईस्ट में चले आओगे तो सर आपको इधर देखो ये लाओस वगैरह नहीं है, कंबोडिया मिल जाएगा, थाईलैंड मिल जाएगा, वियतनाम मिल जाएगा। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में अगर आप देखोगे तो कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, और आपका फिलीपींस है, और आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांच कंट्री साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम पे याद रख लेना। फिलीपींस हो गया, वैसे फिलीपींस थोड़ा ऊपर चला जाता है लेकिन चलो ठीक है, उसी में याद रख लेना। और कंबोडिया हो गया, थाईलैंड है, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, और आपका इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद जो हमारे पड़ोसी हैं, एक तो हम खुद हो गए, 3 2 5 और 1 6, इंडिया, तो 6 तो यही हो गए। बाकी 6 कौन है सर, बाकी 6 देखो, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, 3, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये पड़ोसी हैं सर हमारे। तो पड़ोसियों में अगर आप देखो तो भूटान नहीं है इसमें, बाकी अफगानिस्तान तक भी इसका हिस्सा है। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन था, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। मतलब अफगानिस्तान फाउंडिंग में नहीं था, अफगानिस्तान बाद में इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। ये 12 नेशंस के नाम है। अब ये कोलंबो प्रोसेस की सिग्निफिकेंस ये है कि जनरली आप देखोगे ऐसे बहुत कम ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत कम ग्रुपिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं। जनरली हम लोग दो ग्रुप्स को जानते हैं, ठीक है, यूजुअली जो आम तौर पर लोग हैं दो ही ग्रुप का नाम लेंगे, सार्क का लेंगे या फिर एक और क्या नाम था उसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। जनरली लोग यही दो को जानते हैं कि सार्क और SCO ऐसी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी उसका मेंबर है और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। लेकिन आप उन जनरल में ना रहें, आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और जानें उसके अलावा भी एक और ग्रुपिंग है कोलंबो प्रोसेस, एक रीजनल ग्रुपिंग है, उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान दे बोथ सर्व, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ इट। तो ये थोड़ा सा एक दिलचस्प जानकारी थी इसलिए कोलंबो प्रोसेस को मैंने इंक्लूड किया। बात समझ में आ रही है सर, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है, इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों है सर। जनरली लोग SCO या सार्क की बात करते हैं लेकिन उसके अलावा भी है। लेकिन सर कोलंबो प्रोसेस का काम क्या, उसकी तुमने बात करी नहीं, तो काम यहाँ पर लिखा है सर, इट एम्स टू प्रमोट द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फॉर कंट्रीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दैट सेंड माइग्रेंट वर्कर्स अब्रॉड, ठीक है। यानी जो लोग इन कंट्रीज से दूसरे देशों में जाते हैं, ठीक है, उनको व्यवस्था प्रोवाइड करना, एक तरीके से ये इनका काम है, ठीक है।
चलो जी, तो ये बात होगी कोलंबो प्रोसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल नेम्ड नेशनल हेल्थ चेन एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल नेम्ड नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स? बताइए जरा। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड पोर्टल नेम्ड नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स? देखो है क्या सर, जैसे आप लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस जो भी कराए होंगे वो इस चीज को जान रहे होंगे कि कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं सर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए। आप ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट लाओ, कई बार आप इंश्योरेंस परचेज भी किए होते हो और वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड भी होता है, उसके बावजूद भी क्लेम करने में काफी वक्त लग जाता है। एक बड़ा जटिल प्रोसेस होता है, ये फिल करो, वो फिल करो, फॉर्म उसका इतना आसान होता भी नहीं है। तो उसी चीज को आसान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अभी तक क्या था कि मान लो कंपनी एक्स है, उसका एक अलग प्रोसेस है, कंपनी वाई अलग प्रोसेस है, अलग पोर्टल है, वो उससे फिल कर रहा है, वो उससे फिल कर रहा है। अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, सिंगल पोर्टल होगा, आप कोई सी भी कंपनी के हो, आप किसी भी हॉस्पिटल के हो, जो भी प्रोसेस होगी उस पोर्टल के थ्रू ही आपकी रन होगी। तो एक जो अफरा तफरी मची है उसको आसान करना है, और जो क्लेम लेने का प्रोसेस जटिल है उसको आसान करना है, उसी पर्पस के लिए ये पोर्टल बनाया गया, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो सवाल ये है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करने वाली है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या आयुष मिनिस्ट्री? हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत टफ सवाल नहीं है सर, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलो जी, तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये जो आपका सर पोर्टल है उसको कौन लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर लॉन्च कर रहा है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है सर, एनएचए और आईआरडीएआई ने मिलकर लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। इज दैट क्लियर और नॉट? आयुष मिनिस्ट्री, देखो आयुष मिनिस्ट्री बेसिकली आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं अदर देन एलोपैथी, ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आयुर्वेद, इसकी फुल फॉर्म ही यही है, आयुर्वेद, योग है ना, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उन उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट को जो प्रोमोट करना है उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई है। ठीक है, क्या नाम है, नोमी जी, समझ में आया? तो ये है सर आपका नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग इन इंडिया। तो मेन चीज ध्यान रखना, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है क्या, दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि इनको किन दोनों ने बनाया है, एनएचए और आईआरडीएआई ने मिलकर बनाया है। ठीक है, बाकी यही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तीसरा, एक ये चीज और याद रखना, पूछ सकता है, आईआरडीएआई का ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तीसरी बात ये ध्यान रखना, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 किसका ऑब्जेक्टिव है? इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखेंगे, आईआरडीएआई।
IRDAI क्या है सर? पहले भी कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। शेयर मार्केट को कौन करता है? सेबी। इसी तरह से जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। ठीक है सर, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी बॉडी है? दैट इज योर IRDAI। इसके लिए कानून भी है, तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडी की कैटेगरी में आने आता है। ठीक है सर, तो तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, तीनों मैंने मार्क कर दी, अगर लिखेंगे तो यही तीन आप लिखेंगे। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है सर, ऑल राइट। क्लियर का मतलब देखो दो निकलते हैं, एक होता है जब सब समझ में आ रहा है, एक होता है कि मतलब सब जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्लियर तो नहीं है ना, कोई पूछना पड़ता है। चलो ठीक है, फिर अगर यहां तक कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर, पॉइंट थ्री क्या था? पॉइंट थ्री सर ये था कि मतलब ये IRDAI का, मैंने इतना कहा ये ध्यान रखना, IRDAI का ऑब्जेक्टिव है कि 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस सबको, सबके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी का हमारा चंक है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस होना जरूरी होता है क्योंकि एक बड़ी सोसाइटी का चंक हर साल गरीबी में इसलिए चला जाता है कि मान लो उनके साथ ऐसी कोई घटना घट गई जिससे उनका सोल ब्रेड अर्नर की डेथ हो गई, या उनके पास कोई बड़ा हेल्थ का खर्चा आ गया जिसमें उनकी सारी कमाई चली गई, तो हेल्थ इंश्योरेंस उन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है ना, तो ये गरीबी कम करने में भी ऑब्वियसली काम आएगा। जब एक बड़ा सेक्टर चंक हमारा हर साल गरीबी में इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया बीमारी में, तो वो उससे बचाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 ये IRDAI का ऑब्जेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नहीं, दूसरा वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, विंबलडन के कुछ, देखो सर याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ और स्पोर्ट्स की जानकारी मुझे कम ही याद रहती है, तो कौन था वो, मैंने आई थिंक करा दिया था विंबलडन में, और अभी एक विंबलडन हुआ था कुछ दिन पहले, कौन जीता है मैं भूल गया, कौन जीता बताना जरा। वो तो अभी आई थिंक जुलाई में, अभी जब जुलाई में हम डिस्कस करेंगे तो वो विंबलडन आ जाएगा। विंबलडन तो मैं जरूर कराता हूँ, विंबलडन पूछ भी चुका आपसे, विंबलडन के जो विनर है वो मैं जरूर कराता हूँ। ठीक है, अभी वो अभी हुआ ही था अभी ना हाल फिलहाल में आपका, तो वो आपका कराएंगे सर। आई थिंक अल्कराज जीता था क्या? हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो वो जुलाई में आ जाएगा, उसमें कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है सर? रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्रा M2 मिसाइल, तो रुद्रा M2 क्या है सर? नोमी जी हाँ, इसीलिए ना स्पोर्ट्स का जितना भी देखो, लेकिन स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी हम खूब करते हैं, भर भर के करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यही जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF है इसी में से स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग निकाल के जो इम्पोर्टेंट विनर्स है उनको लिख लो, क्योंकि उसमें देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ये फायदा भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन का कि उसमें आपको, जैसे अभी हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया तो एक क्वेश्चन में तीन बातें आ गई, इनको भी ध्यान रखो, इनको भी, इनको भी, ये भी पूछ सकता है। उसमें ऐसा नहीं है सर, उसमें ये नहीं पूछेगा सर टेनिस का कब इन्वेंशन हुआ, इतना डिटेल में नहीं जाता है, किसने जीता बस उतना ध्यान रखो आगे बढ़ो, तो स्पोर्ट्स में ये फायदा भी है। हाँ, तो रुद्र M2 क्या है सर? सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO ने इसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था,
तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या एंटी सैटेलाइट मिसाइल है? हाँ, मुझे भी जहां तक याद आ रहा था कार्लोस की जीत है। हाँ जी, एयर टू सरफेस है, बिल्कुल सही बात। अरे यार क्या हो रहा है, मैं ये तो मैं बहुत आगे के क्वेश्चन ले गया। वेलकम टू द फ्यूचर, आगे के क्वेश्चन आ गए एकदम से। रुको मैं वापस आ रहा हूँ, एकदम से फ्यूचर में पहुंच गए थे सर। हाँ ये था ना, अभी तो तीसरे पे सर। एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो आपका ये रुद्र M2 क्या है, ये आपका एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। तो भाई जो Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट था, उससे इसको लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, एयर टू सरफेस। इसमें बस ये ध्यान रखना कि रुद्र M2 इज एयर टू सरफेस मिसाइल, इतना ध्यान रख लोगे काफी है इसके लिए। हाँ खुल गया खुल गया, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिंक में जाओगे, ये PDF पूरी अपलोडेड है, ठीक है। अब नहीं पढ़ रहे हो आप तो इसमें मैं क्या करूं, ये इसमें क्या पुल खुल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सर। 4 क्या है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन ऑनर्ड विथ पाल्मे द्योर अवार्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन ऑनर्ड विद पाल्मे द्योर अवार्ड एट 2024 कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन ऑनर्ड विद पाल्मे द्योर अवार्ड एट 2024 कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अनोरा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, नोरा, ब्लैक डॉग। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखने से सीरियस वाला लगता है, ऐसा है क्या? अच्छा नहीं, मुझे लगता है देखने में आपका अमरजीत सर ज्यादा सीरियस लगते हैं, और क्लास में मामला उल्टा ही पता चलता है, ऐसा है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन ऑनर्ड विद पाल्मे द्योर अवार्ड एट 2024 कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? अनोरा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, नोरा, ब्लैक डॉग। चार ऑप्शन में से करेक्ट बताओ सर। पाल्मे द्योर अवार्ड एट 2024 कैंस इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फेस्टिवल। अनोरा। हाँ सर ये तो देखा ही होगा। करेक्ट आंसर इज अनोरा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड पायल कपाड़िया को मिला, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनोरा के डायरेक्टर कौन है, शॉन बेकर हैं, ठीक है। तो और जो अवार्ड्स जिस जिस कैटेगरी में मिले हैं, पाल्मे द्योर हो गए कैंस फिल्म में और ग्रैंड प्रिक्स, तो वो सारे यहाँ पर आपका मेंशन है, उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन द सरेब्रेनिका जेनोसाइड डेजिग्नेटेड Which of the following days as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 genocide in Srebrenica? देखो एक Srebrenica genocide की बात हो रही है, ठीक है। अभी वही सारा मैं डिस्कस करना है, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि ये Srebrenica genocide बेसिकली है क्या। तो Srebrenica genocide जो है आपका उसको याद करते हुए एक दिन है, कोई एक दिन है इनमें से, उसको रिकॉग्नाइज किया है यूएन जनरल असेंबली ने एज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोमेमोरेशन ऑफ द 1995 जेनोसाइड इन सेब्रेनिका। देखो इतना लंबा नाम नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, सेब्रेनिका जेनोसाइड जो हुआ था
उसकी याद में एक दिन डेजिग्नेट किया है यूएन जनरल असेंबली ने, वो दिन कौन सा है? बस इतना आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है? और वो दिन कौन सा है सर, बताइए जरा। ओके, यामहा कह रहे हैं 11 जुलाई, और कोई और कुछ कह रहा है? हाँ जी, 11 जुलाई पे ताला लगा दिया जाए, या किसी के पास कहने के लिए और कोई भी साल है? कुछ बचा है कहने के लिए? हाँ, करेक्ट आंसर इज 11 जुलाई, ठीक है? तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, स्रेब्रेनिका जेनोसाइड किस दिन हुआ है, मतलब 11 जुलाई को, उसका दिन कौन सा है 11 जुलाई को। तो ऐसे भी पूछ सकता है ये जेनोसाइड किस दिन हुआ, या हो सकता है ऐसे ही पूछ ले कि यूएन ने एक दिन डेजिग्नेट किया फॉर द स्रेब्रेनिका जेनोसाइड, और वो दिन कौन सा है, ठीक है? डेज एंड डेट्स पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। एक स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, स्पोर्ट्स तो सर पूछना ही है उसे, और बुक्स एंड ऑथर हो गया, और आपका डेज एंड डेट्स, ये बहुत फ्रिक्वेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, है ना? तो वो डेट है आपकी 11 जुलाई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब ये स्रेब्रेनिका जेनोसाइड ये बेसिकली है क्या? देखो हुआ क्या था, ये 1995 की बात है। स्रेब्रेनिका क्या है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना में एक टाउन है सर, जैसे ये आपका बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं, यूरोप में जाओगे तो ईस्टर्न यूरोप वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाती है, बाल्कन कंट्रीज। तो यहां पर एक कंट्री है आप देखोगे ये वाली, ठीक है, ये वाली जो कंट्री है ये है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। मैंने जब मैपिंग कराई थी तो एक एक कंट्री याद कराई थी सबको, ठीक है? तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये एक कंट्री है, इसमें एक टाउन है स्रेब्रेनिका, तो उसमें करीब अप्रोक्सीमेटली 8,000 मुस्लिम्स, 8,000 मुस्लिम्स, मोस्टली मैन एंड बॉयज वर किल्ड, ठीक है? और किसने मारा था, बाई बोस्नियन सर्ब फोर्सेस लेड बाई कमांडर जो भी नाम, ठीक है? फिर इनको बाद में जेनोसाइड बोला गया, और ये सारा रीजन, इसके पीछे वजह क्या थी, देखो यहाँ सीन ऐसा था, ये सब क्या है, बोस्निया एक एथनिसिटी है वहां की, ठीक है? जैसे ये वाला जो एरिया था आपका, ये स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, फिर आपका सर्बिया भी था, ठीक है, रोमानिया बल्गारिया नहीं थे, और इधर ये पूरा एरिया, ठीक है, और मॉन्टेनिग्रो भी था, अल्बानिया नहीं था, ठीक है? तो ये वाला जो पूरा एरिया है, मैसेडोनिया के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट लगभग लगभग ये जो पूरा एरिया था ये था पहले यूगोस्लाविया, ठीक है? इसी एरिया को क्या कहा जाता था, यूगोस्लाविया। फिर 1991 के अराउंड ये डिसइंटीग्रेट हो गया, इसमें अलग अलग एथनिसिटीज थी, सबने अपने अपने हिस्से बांट लिए। जब ये अलग हुआ, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तीन मेन एथनिसिटी थी, ये जो बोस्निया हर्जेगोविना ये वाला जो एरिया है, यहाँ तीन मेन एथनिसिटी थी आपका, एक तो क्रोएट्स थे, ठीक है, क्रोएट्स जो क्रोशिया जिन्होंने बनाया, और एक थे आपका बोस्नियाक्स, और एक थे सर आपका सर्ब। तो इन तीन के बीच एक तरीके से कह सकते हो टसल चला, और जिसके नतीजे में जो बोस्निया में रहने वाले मुस्लिम थे उनको जो सर्ब फोर्सेस थी उन्होंने जेनोसाइड में कत्लेआम कर दिया। एक पूरा बोस्नियन वॉर हुआ था 1995 में, इधर एक वॉर होता है, ठीक है, उस वॉर में ही ये सारा जेनोसाइड हुआ था, ठीक है? तो आपको उतना क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो आपके मतलब का नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जाओगे तो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? बस एक बार आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, दूसरा सोचा इस बहाने आप जान जाओगे ईस्टर्न यूरोप में जो बाल्कन कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन कंट्रीज आती हैं, इसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज एग्जाम के लिए बस इतना ध्यान रखना, ये जो आपका स्रेब्रेनिका जो जेनोसाइड हुआ है ये किस दिन हुआ है, 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को ये शुरू हुआ था। बाकी इसमें बस ब्रीफ में याद रखना कि क्या कंडीशन थी, यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन की वजह से वहां पे वॉर होता है, और उस वॉर की वजह से वहां
जेनोसाइड होता है, ठीक है। तो ये बस अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखें, बाकी ये जेनोसाइड कब हुआ था ये पूछ सकता है, तो 11 जुलाई की डेट याद रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। ये यूरोप में आते हैं ना सर, ईस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा जो है ये उसमें आते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो मुद्दे की बात मैंने बता दी, एक ही याद रखनी, ये डेट याद रखनी, उसके बाद बाकी सारी चीजें बस आपके एक बार जानकारी के लिए लिख दी है, एक बार उनको पढ़ लेना, दैट विल बी एनफ फॉर इट। ऑल राइट, अब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। एक हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट है, तो उसने अपना 6th एडिशन लॉन्च किया होगा, उसको टॉप किसने किया है? गुलाम मोहम्मद शेख, अनीश कपूर, राघव बब्बर, अर्पिता सिंह। चार ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताना है। हाँ जी, टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, मेजर हिस्सा एशिया में आता है, मेजर हिस्सा एशिया में आता है, बट कुछ हिस्सा उसका यूरोप में आता है। इसीलिए टर्की का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत खूबसूरत है। जहां पे आप ब्लेंडिंग देखोगे आर्किटेक्चर की, वहां खूबसूरती अलग बढ़ जाती है। जैसे वहां पर आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर जो रहा है और आपका यूरोपियन आर्किटेक्चर, उसका मर्ज देखने को मिलता है। इंडिया में भी आर्किटेक्चर इसीलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर भी ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 किसने टॉप की है? अनीश कपूर का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। रैंक्स द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ देयर वर्क एट पब्लिक ऑक्शंस एज ऑफ जनवरी 2024। तो लंदन बेस्ड आर्टिस्ट है आपका अनीश कपूर, उन्होंने इसको टॉप किया है। सेकंड पे आपके गुजरात के गुलाम मोहम्मद शेख हैं और तीसरे पे आपका अर्पिता सिंह है दिल्ली की, ठीक है। तो ये तीन नाम है, टॉपर ही पूछेगा पूछेगा तो अनीश कपूर नाम ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया विल बी ऑनर्ड पॉजिमसली विद द डैग हैमरशॉल्ड मेडल। ये पॉजिमसली मतलब आफ्टर द डेथ, जो किसी की मरणोपरांत, हिंदी में कहते हैं मरणोपरांत, यानी किसी की डेथ के बाद जो अवार्ड दिए जाते हैं वो पॉस्टमस अवार्ड कहते कहलाते हैं। तो एक डैग हैमरशॉल्ड मेडल है वो पॉस्टमसली ही दिया जाता है, तो वो इनमें से किसको दिया गया है? इंडिया से किन्होंने जीता है अवार्ड, फ्रॉम इंडिया ये अवार्ड किसको मिला है? धनंजय कुमार सिंह, बिल्कुल। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था या फिर तुक्का मार रहे हो या पीडीएफ पढ़ के आए हो? करेक्ट आंसर इज धनंजय कुमार सिंह, ठीक है। करेक्ट आंसर इज धनंजय कुमार सिंह। तो ये मेडल है डैग हैमरशॉल्ड मेडल, ठीक है। तो ये किनको मिलता है? पहला तो इसमें ये ध्यान रखना ये किन पर्सन को मिला, धनंजय कुमार सिंह जी को मिला, उनका नाम ध्यान रखना, पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखना, ये मेडल दिया किन को जाता है? देखो, यूएन में जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है, तो यूएन में पीस कीपिंग फोर्स के लिए, तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, इट इज ए पॉस्थमस अवार्ड, यानी ये मरने के बाद ही दिया जाएगा, जिंदा जिंदा नहीं देते। गिवन टू मेंबर्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग सर्विस विद अ पीस कीपिंग ऑपरेशन अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल एंड अथॉरिटी ऑफ द यूएन, ठीक है। तो यूएन पीस कीपर्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का अवार्ड है, पहली बात ये, और ये पॉस्टमस दिया जाता है क्योंकि ये अवार्ड ही उनके लिए है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इन द यूएस पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। तो उनको एज ए ट्रिब्यूट, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है डैग हैमरशॉल्ड मेडल। यही नाम क्यों मिला सर? ये नाम रखा गया है यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशॉल्ड के नाम पे, ठीक है, उनके नाम पे रखा गया, इसीलिए ये आपका नाम है।
हिंदू में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, आप लोग द हिंदू पढ़ रहे हो, ये तो बड़ी खुशी की बात ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है सर, यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली आईडीएफ, आईडीएफ क्या है सर, इजराइल डिफेंस फोर्स है, इट हैज टेकन ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द एंटायर रूट अलोंग फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, अलोंग फिलाडेल्फी कॉरिडोर उसने पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल ले लिया है आईडीएफ ने। दिस कॉरिडोर शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन या इजिप्ट, बताइए सर। चार ऑप्शन है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, ये लोग जो भी उत्पात मचा रहे हैं, नदन गाजा से किधर शिफ्ट हो गए हैं, सदन गाजा, रेफ्यूजीज भी उधर आ रहे हैं, ये लोग भी उधर ही उत्पात मचाने आ रहे हैं। ठीक है, और सदन गाजा जो बॉर्डर शेयर करता है वो किसके साथ करता है, इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भी आप देख सकते हो करेक्ट आंसर क्या होगा, इजिप्ट होगा। ठीक है, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये अगर आप देखोगे तो ये राफा क्रॉसिंग है, यहाँ पर राफा क्रॉसिंग ये रही। ठीक है, ये करीम शैलोम क्रॉसिंग है, और ये आपकी जो गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप कहते हैं इसे, और ये आपका ये जो है ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। ठीक है, इधर देखोगे इधर आपका इजिप्ट है, तो ये किससे बॉर्डर बना रहा है, इजिप्ट से बॉर्डर बना रहा है। तो वैसे तो ये वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एपीएसएसबी जनरली नहीं पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन एपीपीएससी में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जो मैप के बेस पर रहते हैं वो जनरली एपीपीएससी पूछता है, एपीएसएसबी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं चांसेस आर लेस। अब तो एपीपीएससी की भी वैकेंसीज खुलने लगी हैं, तो एपीपीएससी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। अरे आई डिसाइड कर लो, मैं नहीं प्रोवाइड करता हूं, तो आप कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर पहले दे दो पहले दे दो। वो बेसिकली मैं एडवांस में मैं एग्जाम टाइम में दे देता हूँ, ताकि जब एग्जाम नजदीक होता है ना तो एडवांस में दे दिया जाता है। जैसे अभी हेड कॉन्स्टेबल क्लोज बाई था तो इसलिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया था, ताकि आप लोग पहले से उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर बाद में टाइम कम पड़ता है इसलिए। अदरवाइज तो जनरली जब ये कंप्लीट हो जाता है मैं तभी भेजता हूँ। देखो अगर बात टैलेंट की है तो टैलेंट पे मत लाओ सर आप, यहाँ पर टैलेंट जो है वो हमें एग्जाम में ही देखना है आपका। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म गलती करने के लिए, आप एग्जाम में जो गलती करना चाहते हो यहीं कर लो, जितने गलत आंसर देने यहाँ दे दो, है ना, एग्जाम में नहीं। और उसको सर आप मत कंपेयर करो कितना सही है या गलत है, या आपको अगर टैलेंट देखना ही है तो आपके जो कोर्सेज हैं उसमें आपके क्लास टेस्ट पड़े हैं, करंट अफेयर्स के भी क्लास टेस्ट पड़े हैं, उसको आप जरूर लगाइए, है ना, वहां से जो रैंकिंग्स आएंगी उससे पता चलेगा। इस पे सर मत देखे, ये मतलब मैं कंपटीशन के लिए नहीं कराता हूँ, ये कॉपरेशन के लिए कराता हूँ, एक दूसरे से जुड़ के। यहाँ जब आप कॉपरेट करते हो एक दूसरे के साथ स्टडी में तो उसका फायदा आपको मिलता है। अरे बस बस ठीक है, वो मैं डिसाइड करूंगा कब देना कब नहीं देना, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी, और आप तो क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, बस यही देखो एटीट्यूड आप लोगों को बदलना है, कि ये छोटी छोटी इन सारी डिबेट्स में नहीं पढ़ना है, ये एडवांस में दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस क्या है जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो वो आप फोकस करिए। चलिए अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन प्लेस्ड इन टाइटन्स कैटेगरी ऑफ टाइम्स वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट। ठीक है, टाइम्स एक मतलब एक बड़ी रेप्यूटेड मैगजीन है, इसमें मतलब अगर किसी का नाम आ जाता तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली है दुनिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, ठीक है, और एक कैटेगरी है टाइटन्स कैटेगरी। ठीक है, एक टाइटन कैटेगरी में उन्होंने एक लिस्ट निकाली है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की। तो सवाल यह है इन चार में से कौन सी कंपनी है जो उसका पार्ट है, ये चारों भारत की कंपनी है, तो सवाल यही है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो इसका पार्ट है, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज या विप्रो लिमिटेड। इसका सर करेक्ट आंसर वैसे तो लगभग क्वाइट ऑब्वियस ही है, करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो वैसे तो दो का नाम आया है, रिलायंस का आया है और टाटा ग्रुप का आया है, टू ऑफ इंडिया प्रोमिनेंट बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स have been named among the world 100 most influential companies। ठीक है, और जो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आया है फॉर एक्नोलेजिंग इट्स स्टेटस एज अ टाइटन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 लिस्ट, मेकिंग इट द ओनली इंडियन कंपनी to receive this recognition twice। तो Tata Group का पहली बार नाम आया है, बट जो आपका Reliance है वो दूसरी बार उनका इसमें नाम आया है। ठीक है, तो that is your question number 9। Next, moving towards the question number 10, recently scientists from which of the following universities have developed world's first wooden satellite Lignosat, which aims to reduce space debris by burning up completely अपॉन री एंट्री इन टू द अर्थ एटमोस्फियर। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट। ठीक है, लिग्नोसैट की हमने पहले भी डिस्कशन करी थी, कुछ महीने पहले लिग्नोसैट का नाम आया था, तब हमने एक कंट्री देखी थी किस कंट्री से, अगर वो कंट्री आपको याद होगी तो आप बता पाओगे। तो मतलब पर्पज यही है कि सर वापस से जब ये अर्थ पे एंटर करेगी तो जल जाएगी, क्योंकि मेटल सैटेलाइट होता है, मेटल सैटेलाइट जब वापस एंटर करता है तो वो मेटल पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये जल के खत्म कहानी पूरी। ठीक है, तो लिग्नोसैट दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट है, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही आ सकता है, दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट का नाम बताओ लिग्नोसैट, और इससे एसोसिएटेड कंट्री कौन सी है, जापान। ठीक है, अब जब जापान आप जान गए हो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया सर आपका, क्योटो यूनिवर्सिटी जापान। ठीक है, तो दो वर्ड से मिलके बना है लिग्नोसैट, खैर इतना तो नहीं पूछेगा, ये सब बस सुनने में अच्छा है, इसको लिख मत लेना। लिग्नो लैटिन वर्ड होता है वुड के लिए, और सेट सैटेलाइट से आया सेट, तो वो बन गया लिग्नोसैट। ठीक है, और ये कौन सी वुड से बना है, ऐसा नहीं अपना जो लोकल लकड़ी उसी से उठा के बना दिया, स्पेस में भेज रहे हैं सर, तो ऐसी लोकल लकड़ी भेजेंगे तो जल के निपट जाएगी, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को देखने के लिए मैग्नोलिया वुड यूज किया। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, लिग्नोसैट दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट, दूसरा जापान से है, तीसरा कौन सी लकड़ी इसमें यूज हुई है, मैग्नोलिया वुड ध्यान रखेगा, तो ये तीन पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने। ठीक है, बाकी मेंस वगैरह के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इसको एज एन एग्जांपल ले सकते हो, कि मान लो GS3 में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेस डेब्रिस एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वहां पर आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि जापान एक वुड सैटेलाइट बना रहा है। ठीक है, दीज आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और मिशन कंप्लीट करने पर ये आपका कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, अनलाइक मेटल सैटेलाइट जो एयर पॉल्यूशन पजेस करते हैं ड्यू टू द जनरेशन ऑफ मेटल पार्टिकल्स ड्यूरिंग री एंट्री, वुडन सैटेलाइट मिटिगेट दीज कंसर्न। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान रखना, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसेट, दूसरा जापान की है, तीसरा मैग्नोलिया वुड। ठीक है, ये तीन ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो सर बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे की कहानी फिर हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो करीब करीब 10 सवाल का अपना एक डेली का टारगेट रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स सीखते हैं, ताकि करंट अफेयर्स आपके लिए बर्डन ना रहे। और यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स पर्पज नहीं है, करंट अफेयर्स के थ्रू एक वाइड वेराइटी ऑफ कंसेप्ट आपका कवर कराने का मेरा पर्पज रहता है, ताकि जो जीके में एक रैंडमनेस है कि रैंडमली कुछ भी पूछ ले रहा है, ठीक है, कुछ भी आया जा रहा है, ठीक है, और जरूरी नहीं स्टैटिक से ही आए, कुछ भी रैंडम उठा के पूछ लिया, तो वो सारी चीजें भी आपका कवर हो पाए। इसीलिए मैं कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखते हैं, तो मेरा टारगेट रहता है उससे रिलेटेड जो भी कुछ पूछ सकता है वो सारी चीजें आपका करंट अफेयर्स में मैं कवर करा दूं। ठीक है सर, इसलिए थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी इसमें ज्यादा होता है और मेरा करंट अफेयर्स लंबा भी इसीलिए वजह से हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज करंट अफेयर्स इतना लंबा होता नहीं है, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा दूं तो 2 घंटे में निपटा दूंगा सारा, लेकिन वो सिर्फ वो पर्पज नहीं है। चलिए सर, तो मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कर देंगे, कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।